Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास है ओप्पो का A38 तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इसी फोन की टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके इस फोन को और भी अच्छे से आप यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको काफी अमेजिंग हिडन फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन होने पर जब स्क्रीन पर आप बी को बनाएंगे आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, ओ बनाएंगे कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आपको बहुत ज्यादा ऐसे अमेजिंग हिडन फीचर मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल रहेंगे। अगर आपके पास ओप्पो का A38 है या फिर इस फोन को परचेज करना चाहती है तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। इस वीडियो में काफी अच्छे अच्छे फीचर आपको देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हैं चलिए शुरू करते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने पर मोर देखने को मिलेगा यहाँ क्लिक कीजिए, जिसके बाद डबल टैप टू लॉक वाले फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को कभी भी आप लॉक करना चाहते हैं तो ब्लैक एरिया में आपको दो बार इस तरह से प्रेस करना होगा, स्क्रीन आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। आप इस फोन के स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर आपको 2 फिंगर से फिर से पिंच इन करना है, साइड जाने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इस फीचर को ऑन करना है। अब स्क्रीन कभी भी आपका लॉक होता है तो पावर बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्क्रीन पर आप डबल प्रेस कर दीजिए आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। अब आप लॉक करना चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर डबल प्रेस कर सकते हैं, ऑन करना चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर डबल प्रेस करके इसको ऑन करा सकते हैं। इस फोन की स्क्रीन पे आप 2 ऐप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन, जिसका यूज करने के लिए पहले किसी भी एक ऐप्स को ओपन कर लीजिए, जैसे कि हमने डायलर को ओपन किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 फिंगर से इस तरह से अप करना होगा। अब नीचे की साइड में आप जो एप्स देख पा रहे हो उनमें से किसी को भी ओपन करा सकते हैं, तो 2 ऐप्स आपके कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे। वैसे एक और फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि ऊपर वाला जो एप्स है और चाहे तो आप उसको नीचे ला सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लीजिए तो आपका ये एप्स इस तरह से स्विच भी हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाएगा, जब आप नीचे वाले को ज्यादा एरिया में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप इस तरह से इसका भी यूज कर पाएंगे। तो 2 ऐप्स का कभी भी यूज करना हो तो आप इस फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। इस फोन को जैसे ही आप पिकअप करेंगे वैसे ही स्क्रीन इस फोन की ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। चाहे तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाना होगा और यहाँ आने के बाद स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा राइज टू वेक, इस फीचर को ऑन करना है। अब आपका फोन मान लीजिए कुछ इस तरह से टेबल पर रखा है, स्क्रीन ऑफ है। अब जैसे ही आप इसको पिकअप करेंगे अब आप देखेंगे आपके फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। तो कभी भी आपको ये फीचर ऑन करना हो तो यहाँ पे आके आप ऑन कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आप 7 अलग अलग तरह से स्क्रीन शॉट को ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेने के आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं। जब आप इस फोन में स्क्रीन शॉट को लेना चाहते हैं फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन आप एक साथ प्रेस कीजिए, स्क्रीन शॉट आ जाएगा। 3 फिंगर से स्क्रीन पर डाउन करेंगे तब स्क्रीन शॉट को ले पाएंगे। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाएगा, आप चाहें केवल इस एरिया का स्क्रीन शॉट लेना तो वो भी बना सकते हैं, ये काफी यूजफुल है। इसको बनाने के लिए 3 फिंगर से स्क्रीन पर होल्ड करके रखना होगा। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। अब जिस एरिया का स्क्रीन शॉट चाहते हैं उसको आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन शॉट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाता है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि नाम देखने को मिल रहा है, चाहे तो इसको आप ब्लर कर सकते हैं या फिर आप टाइटल वगैरह डाल सकते हैं। बहुत सारे फीचर आपको एडिट ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो इनको एडिट भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाएगा, आप गोल टाइप स्क्रीन शॉट को भी इस फोन में बना पाएंगे, जिसके लिए भी आपको स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करना होता है और यहाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब जिस एरिया का आपको गोल टाइप स्क्रीन शॉट चाहिए वो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये गोल टाइप सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको एडिट ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से एडिट भी कर पाएंगे। इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। इस फोन में आप अपने एरिया के हिसाब से भी स्क्रीन शॉट बना सकते हैं, जिस एरिया का स्क्रीन शॉट चाहिए आपको वो भी आप बना पाएंगे। तो स्क्रीन पर आपको 3 फिंगर से होल्ड करके रखना है, यानी यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जिस एरिया का स्क्रीन शॉट आप चाहते हो इस फोन के अंदर लेना तो वो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। ये स्क्रीन शॉट आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, तो ये स्क्रीन शॉट आपका बन जाता है। इसको भी आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। इस फोन में आपको लॉन्ग स्क्रीन शॉट लेना है तो वो भी फीचर मिल जाता है, आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीन शॉट काफी अच्छे से बना सकते हैं। इसके लिए आप चले जाइए लॉन्ग स्क्रीन शॉट एरिया में, वहां जाके एक नॉर्मल स्क्रीन शॉट को क्लिक कीजिए। स्क्रॉल पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप अपने एरिया के हिसाब से इसको स्क्रॉल करके इस तरह से स्क्रॉल करा सकते हैं। डन करके इसको आप देखेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीन शॉट इस तरह से सेव हो जाएगा। आपको जो कंट्रोल पैनल रहता है यहाँ पर आप देखोगे तो स्क्रीन शॉट मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे
तब भी आप इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट को बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये फीचर आपको इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट के काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। जब आप इस फोन के रीसेट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जितने भी एप्स यहाँ पे ओपन रहते हैं उनका सभी का कॉन्टेंट शो होता है। आप चाहें तो इस कॉन्टेंट को हाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं यहाँ पे जो आपने कोई भी कॉन्टेंट खोल कर रखा हुआ है वो कॉन्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा हाइड कॉन्टेंट। सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना है तो ये आपका कॉन्टेंट इस तरह से शो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से किसी भी का एप्स का जो कॉन्टेंट है वो हाइड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस फोन के जो डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन है उसको ऑन करा सकते हैं। आप ये जान सकते हैं फोन का कितना रैम यहाँ पे यूज हो रहा है तो उसको बहुत आसानी से आप यहाँ पे लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीसेट बटन को प्रेस करना है। रीसेट बटन को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, देखने को मिलेगा मैनेज, मैनेज पर क्लिक कीजिए, देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन। इसको ऑन करने के बाद जब आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो कितना जीबी का रैम आपका यहाँ पे यूज हो रहा है और कितना जीबी फ्री है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप वाईफाई एंड अपनी हॉटस्पॉट को एक साथ यूज कर सकते हैं। दोनों ही चीजों को एक साथ यूज करना हो कभी भी तो आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए और अपनी हॉटस्पॉट को ऑन कर दीजिए। अब आप देखोगे किसी वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं तो अपने हॉटस्पॉट की मदद से किसी को भी डाटा ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। इस फोन के अंदर जो ऐप स्टोर देखने को मिल जाते हैं इनका आप रीनेम कर सकते हो। किसी भी एप्स का आप रीनेम कर पाओगे, जैसे कि कैमरा कैमरा नाम से देखने को मिलता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, कॉन्टेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो, किसी भी एप्स को आप रीनेम यहाँ पे कर पाओगे तो ये काफी अच्छा हो जाता है। जैसे कि हमारा जो फाइल है हम चाहे इसको अपने नाम से शो करा सकते हैं तो इसको शो कराने के लिए सिंपल इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करना है या एक आइकन देखने को मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक कर दी आपको यहाँ क्लिक करना है। अब जो भी नाम से आप अपनी फाइल को शो कराना चाहते हैं यहाँ पे आप उस फाइल का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना फाइल का नाम दे देना है एंड यहाँ पे करना है आपको डन सेव। सेव करने के बाद आप देखोगे जो भी नाम आपने दिया था फाइल का वो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। तो इस तरह से किसी भी एप्स का आप रीनेम करना चाहते हो तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको स्क्रीन कस्टमाइजेशन काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। जब स्क्रीन को पेजेस वगैरह चेंज वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। यानी यहाँ पे जो आइकन्स वगैरह आप देख रहे हैं इनका आप रिसाइज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये काफी अच्छे फीचर आपको मिल जाएंगे। जब पेज को आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रांजिशन वगैरह देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे ट्रांजिशन को आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, साइड करने पे आप देख पाएंगे यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए, इस पर आप क्लिक कीजिए, आपको अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी इफेक्ट्स आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स वहां पे आपको सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर लेना है। अब स्क्रीन का जो पेज चेंज करते समय आप देखेंगे तो ये इफेक्ट्स आपकी स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके एप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो इन एप्स का रिसाइज कर सकते हैं एंड आइकन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चेंज करना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग में आ जाइए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अलाउ कीजिए। अब यहाँ पे अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप आइकन का शेप वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आइकन साइज चेंज करना चाहते हैं तो आइकन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको तीन अलग अलग आइकन इससे पहले से ही देखने को मिल जाएंगे, तो इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगता है तो वो आप सेट कर सकते हो। अगर चाहें तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको कस्टम पर क्लिक करना होगा। अब आपको अलग अलग शेप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जिस शेप में आप अपने एप्स को देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और स्क्रॉल करने पे आप यहाँ पे कितना यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको ज्यादा रखना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आइकन्स कितने आप यहाँ पे स्मॉल एंड लार्ज करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप जो नेम देख रहे हैं एप्स का उसको भी आप यहाँ पे आप रिसाइज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको सेट करने पर आप कुछ इस तरह से अपने एप्स को देख पाएंगे। एंड इसके अलावा जो आपका कंट्रोल पैनल आप देखते हो यहाँ पे जो कलर आपको देखने को मिल रहा है आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए सिंपल आपको यहीं पर आना है, देखने को मिलेगा कलर, कलर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिल जाएंगे। जो भी कलर आप सेलेक्ट करते हो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा बैक आने के बाद आपको और भी फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो शेप आप देख रहे हो यहाँ पे कंट्रोलर का, यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, अब आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको देख पाओगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे शेप देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकते हो, जो भी अच्छा लगे आप सेट यहाँ पे आके कर लीजिए। अगर आपको इस फोन के फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है या फिर फॉन्ट को आप बदलना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फॉन्ट का भी फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो कि कुछ यहाँ पे आपको और अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप और भी फॉन्ट्स को यहाँ पे डाउनलोड वगैरह करना चाहते हो तो इस फोन में आपको थीम का एक ऐप मिलता है, जिसकी मदद से आप नए नए फॉन्ट्स को डाउनलोड करके इस फोन में अप्लाई कर पाएंगे। आप अपने फोन की स्क्रीन पर काफी सारे विजेट्स को ऐड कर सकते हो, जो कि आपके डेली यूजेस के लिए काफी अच्छे से काम आ जाते हैं। जब स्क्रीन पर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको विजेट्स देखने को मिल जाता है।
यहाँ क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे बेजेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको डिजिटल बेलविंग का फीचर मिल जाता है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर ही कि आपने दिन में कितना फोन यूज किया था और किस एप्स का ज्यादा यूज किया था, वो सब आपको यहाँ शो होता रहेगा। तो ये सब आपको बहुत सारे बेजेट्स हर एक एप्स की यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। जो भी आपको बेजेट्स एड करना हो स्क्रीन पर वो यहाँ पे आके आप कर सकते हो। जब आप इस फोन की एप्स को क्लोज करते हैं यहाँ पे, तो आपके सभी एप्स क्लोज हो जाते हैं। अब आपके कुछ फेवरेट एप्स रहते हैं जिनको आप यहाँ पे क्लोज नहीं करना चाहते, तो उनको लॉक करके रख सकते हैं। जो कि आप क्लोज करेंगे सभी एप्स के लिए तो वो क्लोज नहीं होंगे जो भी आपने लॉक करके रखे हो। तो उनको लॉक करने के लिए सिंपल यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा और लॉक कर देना होगा। तो जो भी एप्स आपने लॉक किए होंगे वो आपके यहाँ से क्लोज नहीं होंगे। तो हम क्लोज ऑल करते हैं तो यहाँ पे आपके जो लॉक ऐप है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सभी क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी एप्स को आप लॉक करना चाहें यहाँ पे रिसेंट से, तो वो भी आप कर पाओगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है। और एक और अच्छी बात है, इस फोन के लिए आपको देखने को मिल जाएगा ओ डायलर, जिसकी मदद से आप कॉल को रिकॉर्ड करेंगे तो कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह आपको सुनाई नहीं देगा। मतलब ओप्पो की तरफ से आपको मिल गया है ओप्पो का डायलर ओ डायलर, जिसकी मदद से कॉल को रिकॉर्ड करते समय जो अनाउंसमेंट सुनाई देता वो नहीं देगा। वैसे इस फोन में आपको देखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट के अंदर गूगल का डायलर, तो इसकी मदद से आप जब कॉल को रिकॉर्ड करेंगे तो अनाउंसमेंट सुनाई देता है। वैसे चाहे तो आप इसको भी हटा सकते हैं। अगर आपको जानना है किस तरह से आप ओ डायलर को सेट कर सकते हैं तो आई बटन पर आपको वीडियो मिलेगा, वहां से जाके देख सकते हो किस तरह से ओ डायलर को आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फोन की जो डायलर है इससे कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो डायलर को ओपन करके सेटिंग में जाइए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट। इसको ऑन करने पर आप उन सभी नंबर की ऑटो कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो जो फोन के अंदर सेव नहीं रहेंगे। तो इस तरह से कर पाओगे। एंड सेलेक्टेड नंबर करना है आपको, कुछ नंबर आपके फोन के अंदर सेलेक्टेड है आप उनकी कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इस फीचर को ऑन कीजिए। ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद चूज ए कॉन्टेक्ट पर जाइए, यहाँ से नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी आप कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डुअल एप्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कभी भी आप किसी एप्स का डुअल बनाना चाहते हैं तो आपको फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ देखने को मिल जाएगा एप्स। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे ऐप क्लोनर को, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी एप्स आप देख पाओगे उनका इस फोन के अंदर आप क्लोन यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्नैपचैट का चाहिए तो यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए, आपका ये रीनेम हो जाएगा, मतलब यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आप डेस्कटॉप पे जाओगे तो वहाँ पे आप दो यहाँ पे अपने स्नैपचैट को देख पाओगे। तो इस तरह से इस फोन के अंदर कभी भी दो एप्स का यूज करना हो तो आके आप बहुत आसानी से कर पाओगे। इस फोन में फ्रेंड्स आप लॉक स्क्रीन पे काफी ज्यादा फीचर को यूज कर सकते हो और लॉक स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हो, आपको स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि वी स्वाइप करने पे आप फ्लैशलाइट को ऑन कर सकते हो और बहुत सारे फीचर आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। तो इनको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मिलेगा आपको जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख पाओगे स्क्रीन ऑफ जेस्चर को, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये वाला जो फीचर आता है इसको ऑन कर लेना है एंड गॉट इट पर करना है क्लिक। अब कभी भी आपको फास्ट अपना कैमरा एप्स ओपन करना हो तो स्क्रीन पर ओ स्वाइप कीजिए, आपका कैमरा एप्स इस तरह से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कभी भी एप्स को, मतलब जो कैमरा एप्स है उसको ओपन करना है तो स्क्रीन ऑफ होने पर वो बना दीजिए, आपका कैमरा एप्स ओपन हो जाता है इस फोन के अंदर। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप फ्लैश लाइट को भी सेट कर सकते हो। तो इसको सेट करने के लिए आपको सिंपल यहीं आ जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर में, और यहाँ देखने को मिल जाएगा ये वाला फीचर, इसको ऑन करना है। अब स्क्रीन पर कभी भी फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो स्क्रीन पर इस तरह से आपको बी स्वाइप करना है, फ्लैश ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे आप चाहे इसको बंद करना तो फिर से बी बना दीजिए, आपकी फ्लैश लाइट ऑफ भी हो जाती है। कुछ जेस्चर को आप अपने हिसाब से भी सेलेक्ट करके रख सकते हो, जैसे कि गाने वगैरह सेलेक्ट करने हो, गाने चलाने हो, प्ले करने हो, तो वो भी आप रख पाओगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा म्यूजिक कंट्रोल, इसको आप यहाँ से ओके कीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। आप कभी भी गाने चलाना चाहते हो लॉक स्क्रीन पे ही विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए, तो सिंपल स्क्रीन ऑफ होने पर टू फिंगर से डाउन कीजिए, आपके गाना प्ले हो जाएगा। गाने को आप नेक्स्ट भी कर सकते हो, ये काफी अच्छा फीचर हो जाता है। गाने को बदलने के लिए इस तरह से क्लिक करना होगा, आपका गाना चेंज हो जाएगा। गाना पीछे वाला चलाना हो तो इस तरह से क्लिक करके आप पीछे वाले गाने को दोबारा से चला सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर यहाँ पे मिल जाता है आपको म्यूजिक कंट्रोल का। एंड यहाँ पे आप कुछ और जेस्चर को यूज कर सकते हो जो कि यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तीन अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, अनलॉक कॉल एंड ओपन एप्स। जब हम ओपन एप्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको फेवरेट एप्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनका आप ज्यादा यूज करते हो, तो आप उनको भी सेलेक्ट करके रख सकते हो। जैसे कि हमने क्रोम को सेलेक्ट किया लॉक स्क्रीन होने पर, जब हम क्रोम को ओपन करना चाहेंगे तो ये टाइप कर देंगे, डायरेक्टली हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो कभी भी किसी एप्स का आप ज्यादा यूज करते हो तो यहाँ पे आप उनको भी अपने हिसाब से सेट करके रख पाओगे। तीन अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं,
नहीं देखिए, जैसे कि AM और W, तो जो भी आप सेट करना चाहें यहाँ आगे कर लीजिए। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट कॉल के फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल है। जब आपको इस फोन की कॉल को आंसर करना होता है तो आप स्क्रीन से अपनी टच को मतलब अपने फोन की जो टच है उसको टच करते हैं तब आपकी कॉल आंसर होती है। तो यहाँ पे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल फीचर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर, इसको ऑन कर लीजिए। अब क्या करना है, स्क्रीन से आप कॉल आंसर नहीं करना है, सिंपल रिंग होते हुए फोन को कान की ओर ले जाइए, कॉल आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। तो ये आपको काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाएगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का। तो यहाँ से आपको ये ऑन करना रहता है। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर देखने को मिल जाएगा ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का। इस फीचर को ऑन करने पे क्या होगा, जब कभी भी आप किसी बंदे से हैंड फ्री स्पीकर पर बात कर रहे हैं और अपने फोन को कान की ओर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो कान वाला स्पीकर है उसमें ये आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ऑटो स्विच टू रिसीव का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर देखने को मिल जाता है, इसको ऑन करने पे आप अपनी कॉल को जो कॉल वगैरह आती है उसको म्यूट करना चाहते हैं तो फोन को फ्लिप कर दीजिए, आपकी वो कॉल म्यूट हो जाएगी। वैसे म्यूट आप दो और तरह से कर सकते हो, जैसे कि फोन का अप एंड डाउन बटन को प्रेस करना है तभी आप कॉल को म्यूट कर पाओगे। इस फोन का जो पावर बटन है इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए यहाँ से आपको वापस आ जाना है। वापस आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल का फीचर, इसको ऑन कर लीजिए। आप कभी भी कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं पावर को प्रेस कर दीजिए, कॉल आपकी कट हो जाएगी। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी एप्स का फ्लोटिंग विंडो यूज करना है तो आपको पहले वो ओपन करना है, यहाँ रीसेट बटन को प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपका ये एप्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप किसी भी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप और काम करते जाइए बैकग्राउंड में ये एप्स आपका काम करता रहेगा। इसके अलावा आप इसको रिसाइज कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस पर एक बार इस तरह से प्रेस करना रहता है तो ये आपका रिसाइज हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद क्लोज करना चाहें तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, आपका ये क्लोज भी हो जाएगा। इसके अलावा इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसमें ये आप एप्स वगैरह सेलेक्ट करके रखेंगे तो वो आपके फ्लोटिंग विंडो के लिए ऑन हो जाएंगे। तो आप उनको सेट करना चाहते हो तो सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, जिसके बाद यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है, स्मार्ट स्लाइड बार को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे एक लाइन देखने को मिल जाएगी, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ और एप्स को देख पाओगे, जैसे कि स्क्रीन शॉट देना हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना हो, स्क्रीन ट्रांसलेट करना हो या फिर फाइल मैनेजर ओपन करना हो, ये तो कुछ ऐप्स आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी ऐप्स को ऐड भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप एड इन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप्स देखने को मिलेंगे जो कि फोन के अंदर इंस्टॉल रहते हैं। अब यहाँ से इनको ऐड करने के लिए इस साइड आपको सिंपल प्लस के आइकन पर क्लिक करना होता है तो ये ऐड हो जाएंगे, एंड यहाँ से किसी भी ऐप्स को आप रिमूव भी कर सकते हो। अब आपको वो ऐप्स सभी सेलेक्ट कर लेने जो भी आपकी फेवरेट रहते हो या फिर आप जिनका आप ज्यादा यूज करते हो, तो आप ये सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे कभी भी इनका यूज करना हो तो किसी जैसे कि आप सेटिंग वगैरह में हो या फिर किसी ऐप का यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर हो जाता है अगर कभी भी आपको इमरजेंसी एप्स का यूज वगैरह करना होता है तो यहाँ सर्च वगैरह करते हैं तो आप डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में वो सेट कर लीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ से फिर उनको एक्सेस कर पाओगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको थ्री बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। आप चाहें तो इन्हें हाइड करके इस फोन में जैसा नेविगेशन सेट कर सकते हो या फिर पहले से सेलेक्टेड है आपके जैसा नेविगेशन तो आप इनको भी लगा सकते हो। तो इनको सेट करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में और स्क्रॉल डाउन करके देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, या क्लिक करने के बाद सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करना है। अब अगर आपको बटन सेट करना है तो बटन पर क्लिक कीजिए, जैसा नेविगेशन सेट करना है तो जैसा नेविगेशन पर क्लिक कीजिए। जैसा नेविगेशन को सेट करने के बाद आपको एक और अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है जो कि काफी यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे आपको पहला फीचर देखने को मिलेगा वाइब्रेट ऑन बैक नेविगेशन, इसको ऑन करने पे क्या होगा, जब बैक बटन को प्रेस करेंगे आपका फोन वाइब्रेट होगा। इसके अलावा स्विच टू प्रीव्यू एप्स का एक फीचर मिल जाता है, इसको ऑन करके रखिए अगर आप जेस्चर का यूज कर सकते हैं, ये काफी यूजफुल फीचर हो जाता है। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे एप्स हमने यूज किए थे। अब हम यहाँ जैसे कि वापस सेटिंग में काम कर रहे हैं तो हम सेटिंग से पहले जिस एप्स का यूज कर चुके हैं उनमें कुछ इस तरह से स्विच कर सकते हैं। तो यह जेस्चर की मदद से आप ये कर पाएंगे, तो ये काफी अच्छा फीचर आपको जेस्चर की मदद से देखने को मिलता है। तो जेस्चर को नेविगेशन का कभी भी आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन को कभी भी आप यूज करते समय दिक्कत फील कर रहे हैं, आपका फोन काफी बड़ा आपको लग रहा है, तो इस फोन को एक हाथ से यूज कर सकते हैं। इस फोन में ये मोड देखने को मिलेगा आपको, तो इसको ऑन करने के लिए चले जाना है फोन की सेटिंग में। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक कीजिए, जिसके बाद वन हैंडेड मोड पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन कर लेना है।
आप कभी भी आप अपने फोन को एक हाथ से यूज करना चाहें तो इस तरह से आपको वन फिंगर से डाउन करना है तो आपका फोन जो है वन हैंडेड मोड पे ऑन हो जाएगा। तो इसको एक हाथ से बहुत आसानी से अब आप यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन बाद में करना हो तो ब्लैंक एरिया में क्लिक कीजिए, आपका फोन की जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में ऑन हो जाएगी। जब आप इस फोन का पावर बटन प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। आप चाहें तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं और फोन को स्विच ऑफ करते हैं तो दिक्कत भी होती है। वैसे इसको ऑफ करने के लिए फोन का अप बटन एंड पावर बटन एक साथ आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपको पावर मेन्यू देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, डायरेक्ट यही सेट कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट आपका यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए आपको चले जाना है फोन की सेटिंग में, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा पावर बटन का फीचर। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको पावर मेन्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है। अब पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपको पावर ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन में ऐप लॉक सेट करना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए, प्राइवेसी पर क्लिक करना है, जिसके बाद राइट हैंड साइड प्राइवेसी देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। एप्स को लॉक करने के लिए ऐप लॉक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऐप लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एप्स को लॉक करना चाहते हो तो ऐप लॉक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कोई भी प्राइवेसी लॉक वगैरह सेट कर सकते हो। तो इसके लिए आप सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए, यहाँ आप 6 अंक का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, चाहे तो 4 अंक का कर सकते हैं, इससे अधिक और भी फीचर आपको मिल जाते हैं। तो यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर पहले क्लिक करना है और यहाँ पे आप अलग अलग तरह के यहाँ पे प्राइवेसी लॉक देख पाओगे। जो भी आप प्राइवेसी के लिए सेट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे देखने के बाद बहुत आसानी से सेट कर सकते हो। कभी भी एप्स वगैरह आप हाइड करना चाहे तो हाइड एप्स का भी फीचर आपको यहीं पे मिल जाएगा, आप एप्स को हाइड कर पाओगे। इसके अलावा प्राइवेट वगैरह सेव करना है आपको तो वो भी कर सकते हो। इस फोन में अगर आप फोटो और वीडियो को हाइड करना चाहती है तो बाय डिफॉल्ट काफी अच्छा फीचर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि आप गैलरी से ही डायरेक्ट अपने फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हो, जिसके लिए आपको गैलरी एप्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप 3 अलग अलग ऑप्शन को देख पा रहे होंगे। तो तीन में से किसी पर एक बार आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है तो आपको एक प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना रहेगा, जिसके लिए आप सेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप, तो जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसको। तो जो भी प्राइवेसी के लिए आप लॉक रखना चाहें वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिसके बाद आपके सामने सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है जिसमें आप अपना नाम सेट कर सकते हैं या फिर इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के हिसाब से भी रख सकते हैं। जिसके बाद किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हैं तो प्लस के आइकन पर जाना होगा और यहां से अपने फोटो और वीडियो सेलेक्ट करने होते हैं। सेट एस प्राइवेट पर आपको क्लिक करना है, ये हाइड हो जाएंगे। इसके अलावा एक और तरह से आप फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हैं, जिसके लिए एल्बम पर क्लिक कीजिए। अब उस फोल्डर के अंदर जाइए जिसमें से अपने फोटो या वीडियो हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद इस तरह से आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना है या फिर सिंगल एक को सेलेक्ट कर सकते हो। हाइड पर क्लिक करके आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से इनको हाइड कर पाओगे। इस फोन का जो कंट्रोल पैनल आप देखते हो, यहाँ पे कुछ एप्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ यहाँ पे मिसिंग रहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने कुछ कंट्रोल को ऐड भी कर सकते हो, जिनको ऐड करने के लिए आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे, यहाँ क्लिक करना है। एडिट टाइटल पर आप क्लिक कीजिए, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे नीचे की साइड कंट्रोलर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है आपका स्क्रीन रिकॉर्डर, और जैसे कि डार्क मोड वगैरह आपको सब नीचे की साइड देखने को मिलेंगे। तो इनको ऐड करना चाहते हो तो प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, ये आपके ऊपर की ओर ऐड हो जाएंगे। तो सभी को आप यहाँ से ऐड करा सकते हो ऊपर की साइड। तो यहाँ पे अलग अलग एक्सेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरह से इनको ऐड कर लीजिए, सभी के लिए यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। आपको सभी के बारे में बताने वाला हूँ। साइड करने पे आप यहाँ पे देखोगे आपको मिलेगा किड्स मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्ड को करना चाहते हो फिर स्क्रीन रिकॉर्ड सेटिंग करना चाहते हो तो इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करके आप स्क्रीन रिकॉर्ड के सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग ऑडियो की रिकॉर्डिंग की जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं, जैसे कि जो फोन की ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, ऑन रहेगी। जो आप बोलते हैं वो रिकॉर्ड करना है यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेशन को सेट कर सकते हैं, फ्रेम रेट क्या रखना चाहिए स्क्रीन रिकॉर्ड होते समय वो आप सेट कर पाओगे। तो ये सब आपको कंट्रोल पैनल के अंदर सभी ऐड हो जाते हैं। इस फोन में आप स्क्रीन कास्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इस फोन की स्क्रीन टीवी पर शेयर करना चाहते हैं, आपकी जो स्मार्ट टीवी है उस पर शेयर करना चाहते हैं इस फोन की स्क्रीन, तो इस फोन में आपको स्क्रीन कास्ट का भी फीचर मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था नीचे से आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड कीजिए और यहाँ पे आपका टीवी शो हो जाएगा जब यहाँ से आप सर्च करेंगे। तो इस तरह से आप इस फोन की कभी भी स्क्रीन वगैरह शेयर करना चाहते हैं अपने स्मार्ट डिवाइसेस के साथ तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर पाओगे। तो सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपका टीवी यहाँ पे सर्च हो जाएगा और आप उसको कनेक्ट करके अपने टीवी को शेयर वगैरह मतलब स्क्रीन फोन की स्क्रीन को शेयर कर सकते हो। इस फोन में आपको डार्क मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है। डार्क मोड को सेट करने के लिए कंट्रोल पैनल में आपको ऐड कर लेना है और यहाँ पे डार्क मोड पर टैप एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे कुछ सेटिंग आप कर सकते हो, डार्क मोड पर पहले आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको फिर डार्क मोड सेटिंग देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करने के बाद आप डार्क मोड किस तरह सेट करना चाहते हो 3 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि
इनहांसड एन ए मीडियम एन यहाँ पे जेंटल। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ज्यादा हाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, मीडियम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, एंड जेंटल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जिस टाइप का आप डार्क मोड सेट करना चाहते हो कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप शेड्यूल पे रख सकते हो। आप चाहते हो तो ये ऑटोमेटिक काम करे, तो यहाँ पे आप इसको ऑन कीजिए। सनसेट टू सनराइज के लिए सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिन में हट जाएगा और रात होते ही ऑटोमेटिक ये लग जाया करेगा। तो इसको आप सेट कर सकते हो। टाइमर भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पे अपने डार्क मोड का। तो ये काफी अच्छा फीचर रहता है, मतलब हो जाता है अगर आप डार्क मोड की सेटिंग कोई भी तरीके से करना चाहते हैं। इस फोन में आपको मीडिया आउटपुट का काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहते हैं और आपके जो फोन की ऑडियो है वो कभी भी आप चलाना चाहते हैं तो ब्लूटूथ को बंद करते हैं तब आपकी ऑडियो चलती है। तो यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये काफी अच्छा फीचर मिल जाता है। तो जैसे कि आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड हैं, आपकी आवाज ब्लूटूथ पे जा रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है और देखने को मिलेगा मीडिया आउटपुट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो फोन का स्पीकर उस पर क्लिक कर देना है। अब आपकी ईयरफोन भी डिस्कनेक्ट नहीं होगी और आपका जो फोन है उस पर आवाज ऑडियो आना, मतलब जो भी फोन की ऑडियो रहेगी उस आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मीडिया आउटपुट का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन की स्किन कलर मूड को आप चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको सेट करके रख पाओगे। तो उसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में आ जाइए और यहाँ से स्क्रॉल करने पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक कीजिए। इसको स्क्रॉल करने पे आपको स्किन कलर मूड का फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो अलग अलग फीचर देखने को मिल जाते हैं, विविड एंड नेचुरल। नेचुरल को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड विविड को सेलेक्ट करके रखेंगे तो जो भी कलर वगैरह रहेंगे स्क्रीन पर, जो भी इमेजेस वगैरह आप देखोगे वो काफी बूस्टेड आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे जो स्किन का आप कलर है उसको आप वार्म कर सकते हैं एंड कूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको भी सेट कर पाओगे जो कि काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको ये सब सेट करना तो कर सकते हो। एंड यहाँ पे स्क्रीन का टाइमर वगैरह आप चेंज करना चाहें तो यहीं पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आने के बाद ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। इस फोन में आपको 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, तो आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कीजिए और हाइपर सेलेक्ट करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका 19 हर्ट्ज के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपका सभी जगह 19 हर्ट्ज स्क्रीन काम करता है। वैसे आप स्टैंड पर सेलेक्ट करके रखेंगे जो कि ऑटो सेलेक्शन रहता है, तो यहाँ पे जरूरत होने पर 19 हर्ट्ज काम करेगा, बाकी ऑटोमेटिकली डिसेबल रहेगा। तो ये काफी अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ से आपकी बैटरी काफी ज्यादा काम अच्छी काम करेगी। वैसे आप 19 हर्ट्ज के लिए सेलेक्ट करेंगे तो बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके रखिए जो पहले से सेलेक्टेड था। इस फोन में आपको आई कंफर्ट का भी फीचर देखने को मिल जाता है जो कि आप यहीं पर देख पाओगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट इस तरह से ऑन करा सकते हो। इसमें क्या होगा, आपका स्क्रीन का जो ब्राइटनेस रहता है वो कुछ येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा। इसका आप जब यूज करें, जब आप फोन को ज्यादा यूज करते हैं वो भी नाइट के अंदर, तो नाइट में आप कभी भी ज्यादा फोन यूज करें तो आपको आई कंफर्ट का यूज करना है। इससे आपकी आंखों के कोई भी इफेक्ट्स नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट आपकी आंखों के पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसकी लाइट और भी ज्यादा वार्म कर सकते हो एंड यहाँ पे आप कूल भी इसको रख सकते हो। तो जितना ज्यादा आप इसको वार्म करके रखेंगे उतने अच्छे से इस फोन को आप यूज कर पाएंगे। इस फोन में आपको किड्स मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है। किड्स मोड को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, जिसके बाद स्पेशल फीचर पर क्लिक करने पे आपको किड्स स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है एंड आपको पहले कोई भी स्क्रीन लॉक वगैरह सेट कर लेना होगा, जिसके बाद आप इस फोन के अंदर किड्स मोड का यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप उन एप्स के लिए परमिशन दे दीजिए जो भी यहाँ पे यूज किड्स मोड के अंदर आप कराने चाहते हो। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो किस टाइम तक आपका किड्स मोड यहाँ पे काम करे, तो वो आप टाइमर सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये सब फीचर देखने को मिलेगा कि आपको आई कंफर्ट यहाँ पे यूज कराना है या फिर नहीं, तो ये आप कर सकते हैं। एंड ओके करने पर आप देखोगे आपके फोन के अंदर कुछ एप्स इस तरह से देखने को मिलेंगे और यहाँ पे सभी जो एप्स रहेंगे उनका साइज मतलब रिसाइज हो जाता है, जो और भी ज्यादा लार्जेस्ट आपको एप्स देखने को मिलेंगे। एंड इसको एग्जिट करना चाहते हो तो आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, एग्जिट पर क्लिक करना है तो आपका जो प्राइवेसी है मैन फोन का जो लॉक है वो आपको लगाना हो तो सभी होम स्क्रीन पर आपके मैन एप्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस फोन के अंदर किड्स मोड का भी यूज आपको मिल जाता है। इस फोन में बाय डिफॉल्ट में जो आपका ऐप ड्रॉइड है वो सेलेक्टेड आपको देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसे रिमूव करके इस फोन के अंदर डायरेक्टली सेट कर सकते हैं होम स्क्रीन मतलब स्टैंडर्ड स्क्रीन। इसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड कीजिए, साइड करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए, आपको होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करना है। अब स्टैंडर्ड मोड को यूज करने के लिए स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक कीजिए और अप्लाई करने के बाद आपको स्विच पर क्लिक करना है तो आपका स्टैंडर्ड मोड इस फोन में सेट हो जाएगा। अब सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पर रहेंगे, इस तरह से आप करेंगे आपके कोई भी एप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप रैम को भी एक्सपेंड कर सकते हो, जितनी जीबी का रैम है उतनी जीबी का रैम और भी आप इस फोन में बढ़ा पाओगे। तो इसको बढ़ाने के लिए फोन की सेटिंग में चली जाइए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद फोन का जो अबाउट है उस अबाउट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद रैम सेक्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखोगे 1GB, 2GB एंड 4GB तक आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। तो जितनी जीबी का रैम एक्सपेंड करना है उस पर क्लिक कीजिए और फोन को जो फीचर है इसको ऑन कीजिए और एक बार रीस्टार्ट कीजिए
तो आपके फोन की रैम जो है जो रहेगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, तो आपका फोन की जो प्रोसेसिंग है काफी फास्ट यहाँ पे हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ यूजफुल फीचर जिनके बारे में इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो इसी तरह से और भी वीडियो देखना तो इस फोन से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।